LMG होता है, ये लोग का RPG होता है, जैसे बराबर अब बॉम्ब होता है। रात को 12 बजे आके पहले फायर किया जाता है ऑटोमेटिक वेपन के साथ। ऑटोमेटिक वेपन के साथ आते हैं, पहले गांव वाले को फायर करके भगाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं लोग, मैते के घर को क्या करते हैं, आग जला देता है। We want peace in Manipur as soon as possible and we want justice to all the civilians who are affected. तो इसलिए हम यहाँ पे आना बोलना चाहते हैं कि ये हिंसा खत्म हो जाता है, हम पीस चाहिए। जैसे भारत सरकार ने इसके लिए लाइक यू नो सम स्टेप, वी नीड सम स्टेप टू टेक फॉर व्हाट्स अगेंस्ट दिस वायलेंस। कोई मणिपुर को जला रहा है तो कोई कह रहा है कि मणिपुर को ना जलाया जाए। मणिपुर से तमाम लोग आए हैं, मैं दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद हूं। आप मेरे चारों तरफ देखिए किस तरीके से यहां पर आपको आम जनता ही नजर आ रही होगी। ये लोग कह रहे हैं कि जो मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं, हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, वहाँ पर बमबारी हो रही है, जलाया जा रहा, तमाम लोग जाने चली गई हैं और घटनाओं पर पूरी तरीके से तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाए। कड़ी धूप है और ये जो तमाम महिलाएं हैं, तमाम युवा हैं, ये लोग यहाँ पर छाता लेकर के आए हुए हैं और इनकी मांग यही है कि मणिपुर को ना जलने दिया जाए। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर गए थे, बैठक किया, उन्होंने कहा कि स्थिति चिंताजनक है लेकिन काबू पा लिया जाएगा। मतलब ये मामला स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये मणिपुर हाई कोर्ट ने सेडुल टाइप के स्टेटस दे दिया हाई कोर्ट ने। उसके बाद ये क्योंकि लोग होता है वो लोग घर जला रहे हैं, वो मैतेई लोग का घर जला रहे हैं मोस्टली। तो पर्टिकुलर एरिया चुचानपुर जो होता है वो वहाँ पे रहते हैं, मेजोरिटी होती है, माइनॉरिटी हो चुकी है। मतलब लाइक ये हिंसा थर्ड में से स्टार्ट हो चुकी है, अभी एक महीने हो चुकी है। तो इसलिए हम यहाँ पे आना बोलना चाहते हैं कि ये हिंसा खत्म हो जाता है, हम पीस चाहिए। जैसे भारत सरकार ने इसके लिए लाइक यू नो सम स्टेप, वी नीड सम स्टेप टू टेक फॉर व्हाट्स अगेंस्ट दिस वायलेंस। आखिरकार हो क्यों रहा है, इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है या कोई बाहरी ताकत जो समर्थन कर रही है? जी आप ये स्टार्ट चुके हैं, मणिपुर सरकार ने लाइक थ्री लाइक यू नो मेन प्रॉब्लम स्टार्टेड है। क्योंकि पहले मणिपुर सरकार ने ये उन लोग का फ्लॉपी प्लांटेशन होता है ना, उसको सब खत्म कर दिया। वो लोग के बाद उसके बाद वो लोग लाइक गुस्सा हो चुकी है। वो लोग की मेन इनकम ये पॉपी प्लांटेशन से होता है और उसके बाद म्यांमार से इमिग्रेशन आता है ना, वो लोग के साथ लाइक मिलिट्री बन चुकी है कुकी के साथ। तो ये सब मणिपुर, तो ये इमिग्रेंट को हम निकलना चाहते हैं क्योंकि वी वांट टू सेव मणिपुर, वी वांट टू सेव इंडिया। वहाँ पर BJP की सरकार है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबू नहीं कर पा रही है लोगों को? अमित शाह जी आ रही थी लास्ट टाइम, 2-3 दिन के पहले आ चुके, उसने लाइक कुछ स्टेप तो ले चुके। हाई लेवल मीटिंग भी की गई थी। हाँ, मीटिंग हो चुकी है। लाइक अभी तक तो एकदम शांति नहीं है मणिपुर पे। लाइक थोड़ा तो है पहले कंपेयर टू द बिफोर, बट ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया, सब मामला आराम शांति है, ऐसा नहीं है। अभी तक तो मामला चल जाता है, पर अमित शाह जी आ चुके हैं लास्ट टाइम, तो उसने भी कुछ मीटिंग करके लाइक पीस टू ब्रिंग द पीस इन मणिपुर, इसके लिए तो लाइक स्टेप भी ले चुके हैं, पर देखते जाते हैं पता नहीं। NRC, we want NRC implemented in Manipur as soon as possible and we want the Sioux. We want to take out the Sioux agreement. हिंदी आती है आपको? हमारा चैनल हिंदी है। थोड़ा 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 बोलिए मिक्स करके। हमने चाहिए Sioux तो निकल दो, इंडिया गवर्नमेंट और कुकी मिलिटेंट के Sioux एग्रीमेंट है ना, हम तो ये Sioux निकल दे, हमारा चाहिए ये। तो मणिपुर में जो घटना हो रही है, देश के गृह मंत्री पहुँचते हैं वहाँ पर, मीटिंग लेते हैं, तो क्या कुछ बदलाव आया है? Hey, but it is not effective enough. We need justice to all the innocent civilians, to all the innocent civilians affected in this violence, and we want justice to all of them. आप कह रहे हैं जो बेगुनाह नागरिक हैं उन लोगों को मार दिया गया, उन लोग जाने चली गई, तो क्या इसके पीछे कोई साजिश है? हाँ, ये सम फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, ये सम फॉरेन कंट्री से आ गया, तो ये मिलिटेंट है, ये similarly based means based in Myanmar like that, so they want to cultivate poppy cultivation in the hills of Manipur. We want peace in Manipur as soon as possible and we want justice to all the civilians who are affected. Kya BJP ki sarkar wahan par hai? Ha, BJP ki sarkar hai, but that decision is not effective enough. Amisa ji aa gaya, jo भारत सरकार है, गृह मंत्री वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर बकायदा उन लोगों ने मीटिंग भी लिया,
तो क्या मीटिंग लेने के बाद स्थिति कुछ काबू में आई है या फिर पहले जैसी स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल काबू में नहीं आया। अमित शाह जी आया है, मीटिंग हुआ दोनों तरफ से, अपने मैदे कम्युनिटी के साथ भी हुआ है, कुकी कम्युनिटी के साथ भी हुआ है, लेकिन दोनों की तरफ से कोई भी हल नहीं हुआ। अभी भी कुकी मिलिटेंट्स जो म्यांमार से आके, अभी भी आज भी मेरा गांव में, खुद मेरा गांव पे रोज ये लोग 12 बजे रात को 12 बजे, हाँ रात को 12 बजे प्लान बैठते हैं, रात को 12 बजे आके पहले फायर किया जाता है ऑटोमेटिक वेपन के साथ, ऑटोमेटिक वेपन के साथ आते हैं, पहले गांव वाले को फायर करके भगाया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं लोग मैते के घर को क्या करते हैं आग जला देता है, आग जला के क्या करता है ये लोग वीडियो बनाता है, वीडियो बना के नेक्स्ट सोशल मीडिया में क्या करता है मैते ने कुकी के घर को जला दिया, क्योंकि मैते लोग क्या करता है मैते लोग सब भाग गया होता है, क्योंकि पहले फायर किया जाता है, फायर का डर से मैते कम्युनिटी सब भाग के चला जाता है गाँव वाले। अभी भी मेरा माँ, मेरा दादी, नानी सब 80 साल 90 साल गए, आज आप लोग ग्राउंड में जाइए एक भी ऐसे नहीं कि जो अपने घर में सो रहा है, कोई घर पे नहीं सो रहा है, रोड पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? रात को 12 बजे आते हैं लोग, फायर करते हैं, सबको भगा देता है और घर को जलाया जाता है। तो क्या लगता है कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार जो पूरा मामला हो रहा है, जितना मुझे पता है कोर्ट का आदेश आया, इसके बाद ये पूरी हिंसा भड़क गई, तो क्या इसमें सरकार जो है हिंसा भड़काने में सरकार का शह या सरकार रोक रही है? सरकार एक तरफ से रोकने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मिलिटेंट रोकने का नाम भी नहीं ले रहा, सरकार कुछ भी नहीं कर पा रहा इसमें। सरकार एक तरफ से शांति बनाए रखने के लिए हर जगह को अपील कर रहा है, लेकिन जो कुकी मिलिटेंट है वो बिल्कुल मान नहीं रहा, शांति का कोई उसका मतलब ही नहीं है। अभी मैते कम्युनिटी को मारना है, पहले कुकी मिलिटेंट कुकी लोग की कम्युनिटी क्या करते थे, एसटी डिमांड के अगेंस्ट है, अभी एसटी डिमांड से ये लोग का कोई लेना देना नहीं है, क्या कर दिया अभी ये लोग को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। क्यों चाहिए? अभी पहले से ये लोग प्लान है, अभी देखो मणिपुर में ऐसे प्लान है, ये बहुत बड़ा बयान है आपका, प्लान किया गया, नहीं तो इतना अभी देखो इतना मिलिटेंट कहाँ से आएगा। अभी मणिपुर के बॉर्डर में म्यांमार है, म्यांमार से इतने मिलिटेंट लोग आ गए हैं, इतने स्पेशल वेपन के साथ, ऑटोमेटिक वेपन के साथ। ये वेपन जो होते हैं किस प्रकार के वेपन होते हैं? ऑटोमेटिक वेपन होता है, जैसे बंदूक होता है, गोला होता है, बम बारूद क्या होता है? बंदूक मैं बोल रहा हूँ, बंदूक जैसे आपको अभी बताओ क्या समझेगा, LMG होता है, ये लोग का RPG होता है, जैसे बराबर बॉम्ब होता है, ये लोग सब आके आता है और क्या करता है अभी मीडिया में, अभी जैसे मिलिटेंट आ गया रात को 12 बजे, आप सोचो 28 और 27 की रात को 12 बजे 13 मणिपुरी विलेज मैते विलेज में अटैक किया, वो भी एक ही समय पे 12 बजे, वो बिना प्लान के ऐसे कर सकता है? वो भी एक गांव दूसरे गांव से, जो जिस गांव की बात कर रहे हैं, राज्य मणिपुर, जिला कौन सा है? जिला इम्फाल डिस्ट्रिक्ट, अभी जितना भी मैते कम्युनिटी रहता है वो विलेज में रहता है, विलेज मतलब ये प्लेन एरिया पे, क्या बोलते हैं वैली में, जो जितना कम्युनिटी। तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बगल में संसद भवन है, बगल में सरकारें बैठती हैं? सरकार से ये कहना चाहूँगे कि अभी जितना हो सकता है सेंट्रल फोर्स भेज के, अभी पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री कोई हेल्प नहीं कर रहा, किसी का हेल्प नहीं कर रहा, किसी साइड से वो किसी को हेल्प नहीं कर रहा। अभी क्या करता है कुकी मिलिटेंट रात को आके आग जला रहा है, फायर करके मैते कम्युनिटी को भगा रहा है, तो स्टेट फोर्स थोड़ा बहुत आके हेल्प करता है, तो कुकी क्या करते हैं स्टेट फोर्स भी मैते कम्युनिटी को हेल्प कर रहा है। ये तो अगर मैते विलेज को अटैक कर रहा है मिलिटेंट से, तो उसको काम होता है, पुलिस का काम होता है इसको हेल्प करना, डिफेंस करना, अभी उसको भी डिफेंस कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो कुकी कम्युनिटी क्या बोल रहा है, मैते का पुलिस है, मणिपुरी पुलिस है, वो क्या कर रहा है मैते का हेल्प कर रहा है ये बता रहा है, तो ये गलत है। हम बोल रहे हैं लेकिन वहाँ पर ऑर्डर दिया गया, वहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया कि जो भी दंगाई है, जो भी हिंसा करेगा सीधा गोली मार दिया जाए उसको। नहीं नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं कि दोनों साइड से हम पीस चाहिए, पीस चाहिए, चाहे वो हो चाहे हम हो, लेकिन पीस का नाम ही नहीं ले रहा, हम हमेशा पीस के लिए मांग रहे हैं। लेकिन दंगाई जब गोली मारा जाएगा तभी तो शांति आएगी ना, पीस तभी आएगी। मारने से नहीं ना, अभी तो गोली मारेगा किसको, मिलिटेंट तो भाग जाते हैं, अभी सिविलियन रहते हैं, चाहे कुकी का हो चाहे मैते का हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।